हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो क्या आप डीएम लगाएंगे कंप्लीट लॉकडाउन? कोरोना कंट्रोल करने को उद्धव ठाकरे की जिला कलेक्टर के साथ आज अहम बैठक। महाराष्ट्र में आज रात से 15 दिनों का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो रहा है। कोरोना को कैसे हराया जाए, इसको लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लगातार बैठकें कर रही है और कई अहम फैसले ले रही है। राज्य में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज फिर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में कोरोना स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज सभी जिला कलेक्टरों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि अब कोरोना पर काबू पाने के लिए उद्धव ठाकरे DM को फैसला लेने के लिए पूरी छूट दे सकते हैं और जहां जरूरत है वहां कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पूरे राज्य में कर्फ्यू आज से लग रहा है, मगर और शक्ति दिखाते हुए कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए और 2,081 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के सामने आने के बाद राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 35,19,208 हो गई, जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ने के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार ने 14 अप्रैल से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए कि वो पश्चिम बंगाल से या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सैन्य विमान भेजे। ठाकरे ने राज्य के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार की रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जारी निषेधाज्ञा के चलते राज्य सरकार अगले एक महीने तक हर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल निःशुल्क मुहैया कराएगी। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।